हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में बनाया है पेट्रोल गैस प्लांट। फ्रेंड्स, इस प्लांट से जो गैस निकलती है वो एलपीजी गैस टाइप की होती है। जैसे हमारे एलपीजी सिलेंडर में गैस निकलती है तो वैसे ही ज्वलनशील गैस होती है। फ्रेंड्स, इससे आप अपना चूल्हा भी चला सकते हो। जैसे आपकी गैस खत्म होगी तो आप इसका यूज़ करके अपना चूल्हा चला सकते हो। फ्रेंड्स, इसकी खास बात यह है कि अगर आप इससे आधी लीटर पेट्रोल से भी पूरे दिन इसका यूज करोगे तो तब भी इसकी जो पेट्रोल है वो खत्म नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाद में आप फ्रेंड्स भूल जाते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल में कभी भी कोई फेक वीडियो नहीं डालता हूं। चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे बनाने के लिए दो बोतलों का यूज़ किया। तो मेरे पास एक कांच की बोतल है, दो, एक छोटी और एक बड़ी है। आप इसकी जगह पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल का भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरी जो छोटी वाली बोतल है इसके मैं पहले अभी कैप निकाल देता हूँ और इसके कैप के ऊपर मैं भी दो होल कर दूंगा इस ड्रिल मशीन से। फ्रेंड्स, अगर इस ड्रिल मशीन का वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसका वीडियो देख सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने इस ड्रिल मशीन को बड़ी सिंपली तरीके से बनाया था, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने इसमें दोनों होल अभी कर लिए हैं इस बोतल के कैप में। तो फ्रेंड्स, हमारी जो दूसरी वाली बोतल थी इसके कैप में भी हमें दो होल कर लेने हैं, तो मैं सिंपली तरीके से इसमें भी अभी होल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके जो होल हैं इसका साइज इसके जितना हमारा पाइप होगा उसके बराबर होना चाहिए। तो मेरे पास मैं इसका पाइप यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको मेडिकल में सिंपली तरीके से मिल जाएगा। अभी हमने जो छोटी वाली बोतल के कैप में हमने होल किए थे उसमें भी हम ये पाइप डालेंगे और इसे जो हमारी छोटी वाली बोतल है इसके एंड तक हमें डाल देना है इस तरीके से। फ्रेंड्स, हमें इसके नीचे तक करना है इसे पाइप को, ये बिल्कुल एंड तक इसके पहुंच जाए। फ्रेंड्स, हमारी जो दूसरी वाली बड़ी वाली बोतल थी उसके कैप में हमें जो पाइप हमने डाला था दूसरी वाली बोतल में, और बड़ी वाली बोतल के कैप के सिर्फ ऊपर रखना है, हमें इसको अंदर नहीं डालना है। कुछ इस तरीके से देख लेना फ्रेंड्स, आपको गड़बड़ी नहीं करनी। हमारी जो ये पाइप है इन पाइप को हम फेविक्विक की हेल्प से सिंपल तरीके से चिपका देंगे जो ये मजबूत तरीके से इसमें लग जाए। तो फ्रेंड्स, हमारी जो बड़ी वाली बोतल का कैप था इस कैप के अंदर हमें एक पाइप और डालना है, हमारी बड़ी वाली बोतल के बिल्कुल एंड तक कर देना है इस तरीके से, जो इसके एंड तक पहुंच जाए वाला पाइप। और फ्रेंड्स, जो हमारी छोटी वाली बोतल थी इसका भी हमें ऊपर रखना है, ये वाला पाइप हमें यानी कि एंड तक नहीं डालना है, सिर्फ ऊपर रखना है। फ्रेंड्स, इन पाइप को भी हम फेविक्विक की हेल्प से सिंपली तरीके से चिपका देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो में बने रहना, मैं आपको अभी समझा दूंगा आगे सही तरीके से, तो आपको सिंपली तरीके से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हमें एक प्लाईबोर्ड लेना होगा, तो मैंने लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है प्लाईबोर्ड का। फ्रेंड्स, मैंने एक एयर पंप लिया है। फ्रेंड्स, मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा था इसलिए मुझे ये महंगा मिला 160 रुपये का। अगर आप इसे ऑफलाइन खरीदोगे तो ये आपको सस्ता मिल जाएगा 80-90 रुपये में। फ्रेंड्स, मेरी सजेस्ट से आप ऑफलाइन ही खरीदिए, ऑनलाइन मत खरीदना। तो हमें एक क्लिप चाहिए जिससे ये हमारी मोटर सिंपली तरीके से इसमें फिट हो जाएगी प्लाईबोर्ड में। तो अभी हम ड्रिल मशीन से इसमें अभी होल कर लेते हैं जिससे हमें स्क्रू कसने में आसानी होगी। तो मैं अभी ड्रिल से इसमें होल कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसमें दोनों होल कर लिए हैं अभी यहाँ पर, और हम अभी पेंच लेंगे और स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसे इस प्लाईबोर्ड में फिट कर देंगे। तो मैं अभी दोनों पेंच कस लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इस तरीके से कस लिया है। फ्रेंड्स, हमारी जो ये बड़ी वाली बोतल थी इस बड़ी वाली बोतल का बड़ा वाला पाइप है जो वो हमारे एयर पंप के आउटपुट में जाएगा, जिसमें गैस मिलती है इस एयर पंप की। फ्रेंड्स, जितना इसका साइज है इस साइज के हिसाब से हम इसे कट कर लेंगे और सिंपली तरीके से अपने एयर पंप में फिट करने के लिए प्लास्टिक का पाइप चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स, इस पाइप को हम सिंपली तरीके से जो हमारा बड़ा वाला पाइप है इसमें लगा देंगे और इसे एयर पंप में लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे जो दोनों बोतल हैं इन दोनों बोतलों को फेविक्विक की हेल्प से सिंपल तरीके से चिपका देंगे जिससे बाद में हिलेंगी नहीं और एक जगह पर चिपक जाएंगी। तो फ्रेंड्स, जो हमारी वाला पाइप है इससे हमें गैस का आउटपुट मिलेगा। फ्रेंड्स, अभी हमारा इतना बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, मैं आपको समझा देता हूँ, इस वाले पाइप से हमारी गैस जाएगी पेट्रोल वाले टैंक पर, इस पेट्रोल की जो गैस आएगी वो हमारी बोटर पर जाएगी और फिर फ्रेंड्स इस बोटर से जो गैस निकलेगी वो हमारा आउटपुट होगा। इससे हम कुछ भी चीज़ें जो है गैस जला सकते हैं या फिर टॉर्च बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें एक वायर चाहिए होगा इस तरीके का, रेड वायर और ब्लैक वायर आपको लेने हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो मोटर का पॉजिटिव वाला पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट, इन दोनों हम अभी वायर सोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे जो पॉजिटिव वायर है इसको हम मोटर के पॉजिटिव में और नेगेटिव वायर मोटर के नेगेटिव में फिट कर देंगे। फ्रेंड्स, हमें इस तरीके का एक 12 वोल्ट का बैटरी चाहिए होगा। फ्रेंड्स, ये बैटरी को मैंने अपनी वीडियो में बनाया है, अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो इसका वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने इसे सिर्फ 15 रुपये में बना दिया था। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे बड़ी सिंपली तरीके से बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो बैटरी इसको हम यहाँ पर फेविक्विक की हेल्प से सिंपली तरीके से चिपका देंगे और जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वाला वायर है तो इसे हम एक पेंचकस में या किसी तार में इसे राउंड करेंगे जिससे एक स्प्रिंग टाइप में बन जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए इसे अभी कुछ इस तरीके से ये बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्प्रिंग तरीके का है, तो मैंने इस दोनों वायर को इसी तरीके से फोल्ड करके बना लिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने दो बैटरी और ली है। फ्रेंड्स, इन दोनों बैटरी को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है और इन दोनों बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव वायर हम अपनी बैटरी में लगा देंगे जिससे कि ये हमारा जो सिस्टम है ज़्यादा देर तक चले और ये इसकी बैटरी जल्दी खत्म ना हो। तो मैं सिंपल तरीके से इसे भी बैटरी के ऊपर फेविक्विक की हेल्प से चिपका लेता हूँ। तो हमारे जो पॉजिटिव वाला वायर और नेगेटिव वायर हम नेगेटिव में लगा देंगे, तो नेगेटिव वायर को मैं नेगेटिव में लगा देता हूँ सिंपल तरीके से। फ्रेंड्स, हमारे जो पॉजिटिव वायर है इसको हम बैटरी के पॉजिटिव में लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे ये बनके तैयार हो गया है, तो इसे चलिए हम अभी टेस्ट करके देखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक बोतल में अभी पेट्रोल भर लिया इस वाली में, बड़ी वाली में, और छोटी वाली बोतल में हमने वाटर भरा हुआ है। फ्रेंड्स, इन्हें हमें आधी बोतल से थोड़ा कम कम भरना है।
तो ये हमारी बैटरियाँ हैं इस तरफ। तो जैसे ही मैं इस प्लग को इस बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट पर लगाऊंगा तो हमारा ये सिस्टम ऑन हो जाएगा और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके का एक लाइटर लिया, इस लाइटर का जो अंदर का सारा माल पानी होता है मैंने बाहर निकाल लिया और एकदम खाली है। फ्रेंड्स, इसके नीचे मैंने एक होल कर लिया है जिसमें हमारी गैस निकलेगी। तो इस क्लिप को मैं सिंपली तरीके से इस बैटरी में लगाऊंगा तो हमारा ये सिस्टम अभी ऑन हो चुका है। फ्रेंड्स, इसमें से गैस की महक आएगी आपको, जैसे पेट्रोल की महक आती है। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी तेज़ से फ्लेम पकड़ रहा है इसमें, इसमें आग कितनी तेज़ लग जा रही है एकदम। तो इसे अभी बाहर निकाल लेते हैं और इसे दूर रख देंगे जिससे कि हम सेफली रहें। तो मैंने इसे दूर रख दिया है। देखिए फ्रेंड्स कितनी बड़े तरीके से आग निकल रही है अभी। तो फ्रेंड्स, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, जैसे कि आप सोच रहे हो कि मैं कोई फेक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप तो जानती हैं मैं अपने चैनल में हमेशा रियल वीडियो डालता हूँ जो होता है। तो आपको बहुत से चैनलों में फेक वीडियो मिल जाती होगी, लेकिन मेरे चैनल में आपको कोई फेक वीडियो नहीं मिलेगी। तो अभी देखना फ्रेंड्स कितनी बड़ी तरीके से चल रहा है, सिर्फ ये पेट्रोल की गैस चलता है। तो मेरे पास एक चूल्हा है इसका भी। तो फ्रेंड्स, अभी हमें उल्टा कर लेना है। इसके जो नीचे यहाँ पे दो होल होते हैं, इन दोनों होल को आपको बंद करने से, हमें होल इसलिए बंद करने हैं क्योंकि ये एयर और गैस को मिक्स करते हैं, जैसे कि हमारी गैस में एयर पहले से ही मिक्स है इसलिए। तो अभी हम इसमें जलाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी चूल्हे में हमारी गैस आ चुकी है, तो जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा तो हमारे चूल्हे में आग लग जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें सिंपल तरीके से हमारी आग लग चुकी है। अभी हमारा जो चूल्हा है वो इस गैस से चल चुका है। फ्रेंड्स, इसमें फ़र्क क्या है, हमारा जो हमारी एलपीजी गैस होती है उसके जो कलर होता है फ्लेम का वो नीला होता है थोड़ा, और इसका थोड़ा रेड रेड सा निकल रहा है। और फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा धुआं से भी निकलेगा, आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स, अगर चैनल नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो और न्यू प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल में लाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।